क्या हुआ भाई बोलो। YouTube चैनल बोलो ना। देखो अननोन सोलो ब्लॉगर लो, लो भाई, भाई को सर्च करके दे देते हैं। अननोन सोलो सच में वहाँ पे इंजन क्लीनिंग के नाम पे कोई सा लिक्विड डाल दिया गया, जिसके वजह से ना इसका इंजन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो अभी सोल्यूशन इसका ये है कि इसका इंजन ऑयल बदलवाना पड़ेगा। तो गाइस ये ना अपना पल्सर 220F का कूलिंग सिस्टम, जो कि ना उससे बड़ा है। ये देखो अपन उसमें है ना दो जाली का, एक दो तीन चार, इसमें चार ग्रिल है। बट उसका ना ये जो है ये पाइप इधर लगी है और ये वाली जो पाइप है वो इस साइड। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज ना अभी शाम के बच चुके 3:30 और अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ अपनी मैक्स को लेकर। मैक्स में प्रॉब्लम आ चुकी है ना। तो गाइज अभी प्रॉब्लम ये है कि इंजन बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है और इंजन से ना कुछ अजीब सा स्मेल आता रहता है। और वो जो है ना फ्रंट का जो ब्रेकिंग है, अपनी फ्रंट की ब्रेकिंग ग्रिप, वो भी बहुत डाउन हो चुकी है। तो एक बार मैं भी फटाफट से हो चुका हूँ तैयार और अभी यहाँ से हम लोग मैं निकल रहा हूँ, अकेले जा रहा हूँ क्योंकि साथ में जाने वाला इस टाइम पर कोई फ्री नहीं है जो अभी जा सके मेरे साथ में। तो अभी यहाँ से मैं निकल के जा रहा हूँ 600 वहाँ पे अपना संध्या बजाज, जो सबसे अपना नियरेस्ट सर्विस सेंटर है। तो अपॉइंटमेंट वहाँ पे मैंने ले ली है। तो एक बार फटाफट से चलते हैं और उसको ले चल के चेक कराते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। तो गाइस एक बार ना इसको खुलवा के चेक कराते हैं, बिकॉज ना अपने साथ धोखा ये हुआ था ना जब अपन लेके गए थे ना सर्विस कराने इसको। तो गए थे यूनाइटेड, असब भाई थे नहीं तो इनके पास, मुझे भी थोड़ी सी जल्दी थी तो मैंने बाहर करा ली सर्विस। और बाहर सर्विस से प्रॉब्लम ये ही ना, उन्होंने इंजन क्लीनिंग के नाम पे ना हमसे 200 रुपये ठगे थे। और वो 200 रुपये से इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि इसमें ना उन्होंने पता नहीं कौन सा लिक्विड या क्या डाला, तो उसके बाद से ना इसका इंजन बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है। जबकि अपना ऑयल फिल्टर भी नया है और अभी सेल्फ वाली प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी आ रही। तो एक बार बैटरी को करा रहे हैं चेक, तो बैटरी तो ऐसे ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वही हीट वाला इशू बहुत ज़्यादा हो गया है। बिना प्लान चल रहा है ये चेंज करने का। अभी मैंने 220 का देखा, 220 का इससे बड़ा है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि ये उसमें ना सीधा सीधा जैसा इधर का है और ये जो है ये बेंड है इस डायरेक्शन में। तो अभी ले चल के दिखाता हूँ आपको 220 का भी ऑयल कूलिंग, बट इसका और छोटा है, उसका थोड़ा सा बड़ा है। तो देखते हैं अभी प्लान चल रहा है कि कौन सा लगाएंगे। तो गाइस ये ना अपना पल्सर 220F का कूलिंग सिस्टम, जो कि ना उससे बड़ा है। ये देखो अपन उसमें है ना दो जाली का, एक दो तीन चार, इसमें चार ग्रिल है। बट उसका ना ये जो है ये पाइप इधर लगी है और ये वाली जो पाइप है वो इस साइड में है। और इसमें ना इस एडिशनल साइड से ये सेंसर है, तो ये तो उसमें डायरेक्टली लग नहीं सकता, बट देखते हैं प्लान करते हैं कुछ ना कुछ इसको तो लगाना पड़ेगा क्योंकि ना हीटिंग का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है अभी। तो गाइस अभी ना इसके साथ प्रॉब्लम ये, इसका जो हीटिंग इशू है ना, हमारे ना यूनाइटेड में मैं इसको सर्विस कराया था, तो वहाँ पे इंजन क्लीनिंग के नाम पे कोई सा लिक्विड डाल दिया गया, जिसके वजह से ना इसका इंजन बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो अभी सोल्यूशन इसका ये है कि इसका इंजन ऑयल बदलवाना पड़ेगा। इंजन ऑयल बदलवाने के बाद इसमें कैस्ट्रॉल का इंजन क्लीनिंग शैम्पू आता है, उसको डालने के बाद नया इंजन ऑयल इसमें रिफिल करना होगा, तब जाके इसकी हीटिंग प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर फिर भी नहीं सॉल्व होती तो अपने पास वो है ना ऑयल कूलर का रेडिएटर, तो उसको बदलना फाइनल है। इसमें ना शायद से NS160 का सपोर्ट कर जाए या 220 जो करेगा उसको देखते हैं, कोई तो लगाना है। तो गाइस एक बार से इसको लेके चलते हैं यार। देखो अभी पता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ना, यूनाइटेड में सीन ये हुआ था ना, इंजन क्लीन करने के नाम पे ना इसमें पता नहीं कौन सा ना लिक्विड डाल दिया उन्होंने, फिर से इसकी पावर इतनी कट हो रही है, इंजन इतना ओवर हीट हो रहा है ना, क्या ही बात करनी है। जो कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हमें शुरू में नहीं फेस करनी पड़ रही थी, बट अभी आ रही है तो क्या कर सकते हो यार, खेलो। और वहाँ पे ना अभी मैं यूनाइटेड से अपना सर्विस एक्सपीरियंस बताता हूँ ना, वहाँ पे क्या क्या सीन किया गया था भाई, बहुत ख़तरनाक सीन क्रिएट हुआ था यूनाइटेड में। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ क्या क्या सीन था वहाँ पे ना। उन लोग मेरे अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे ना, अगर आप इलाहाबाद से वीडियो देख रहे हो ना, तो यूनाइटेड जाने से अच्छा ना अगल बगल के ना किसी भी सर्विस सेंटर पर पकड़ लो, बट यूनाइटेड जाओगे ना, यूनाइटेड पे ना चार्जेज हद से ज़्यादा लिए जाते हैं और आपको अच्छा खासा चूतिया बनाया जाएगा अगर आप यूनाइटेड जाओगे। तो आज अभी ना यहाँ पे सनसेट होने वाला है और हम भी अपनी राइड का मज़ा लेते हुए चलते हैं घर। और ये देखो आज सनसेट देखो, यस क्या बेहतरीन लग रहा है यार।
तो भाई एक बार ना अभी फिर से ना बिजली लेने का मन कर रहा है, तो एक बार खाली सा स्पेस मिल जाए तो फिर एक बार ना मस्त सी बिजली मारते हैं अपन, भयंकर वाली। वाह। तो गाइस अभी ना देखो, अभी सीन ऐसा है ना, इंजन में ना हीटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट सामने वाला जो बोल रहा है ना, इससे पहले जब मैंने सर्विस कराई थी, जहाँ से मैंने इस गाड़ी को लिया था, हरिओम बजाज बासापुर में है ना, वहाँ से मैंने इसको लिया था, बट वहाँ पे मैंने चेक कराया था, जब इसमें ना इंजन ऑयल की लाइट आ रही थी, कई बार लाइट आई थी, तब मैंने इसको चेक कराया था, तो वहाँ पे उन्होंने बोला था कि इन सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सर्विस कराओगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट सर्विस कराने के बाद ना कुछ भी ठीक नहीं हुआ, बिकॉज मैं वहाँ पर सर्विस कराने जा नहीं पाया, मैंने यूनाइटेड बजाज में करा लिया और वहाँ से ना सारा सीन ख़राब हो चुका है, इसका इंजन ओवर हीट हो रहा है यार, ओवर हीट मतलब समझ रहे हो। और फिर अगर अभी आप सर्विस की बात करो ना, सनसेट देखो ना भाई, दिल दिल लूट लेता है यार राइड पे। और अभी आप अगर इंजन ऑयल की बात करो ना, अगर हम अभी इसका इंजन ऑयल चेंज कराएंगे ना, तो अभी कॉस्टिंग इंजन ऑयल की ना हमें पड़ती है ना, हमें इंजन ऑयल की जो कॉस्टिंग पड़ेगी वो है अप्रॉक्सीमेट 700 रुपये इंजन ऑयल का, और उसके साथ ही साथ हमें डालना पड़ेगा सर्विस चार्ज, इंजन क्लीनिंग शैम्पू अलग से, तो अप्रॉक्सीमेट 1000 रुपये का खर्चा फिर से आने वाला है। और हमने राइड करी केवल 800 किलोमीटर, तो गाइज हीटिंग इशू ना बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लगा है यार, तो इसका कोई सोल्यूशन तो अभी मेरे को नहीं दिख रहा है। मेरा भी प्लान हो रहा है कि अभी इसको चलाते हैं थोड़े दिन तक, तो गाइज एक बार ना थोड़ा सा रोड खाली एक बार व्हीली का ट्राई करते हैं, थोड़ा सा रोड खाली होने दो, हो गया खाली, नहीं पॉफ हुई यार, वाव। वो तो रही है यार, कुल मिला के ना बेहतरीन व्हीली उठती है। भाई साहब एनएस अपनी जगह, अपनी मैक्स, अपनी जान, अपनी जगह, इसका कोई तोड़ नहीं है यार, कुछ भी कहो इसका कोई तोड़ नहीं है, दिस इज द किंग इन 160 cc सेगमेंट, रोड पे घूमता हुआ घोड़ा है घोड़ा, जब भी खींचो ना भन से निकलती है, वाह। भाई मजा आ गया यार, आज थोड़ी दूर गया बट कैमरा लेके गया था, हाईवे पे गया था, तो आज मजा तो आना बनता है यार। तो अभी ना फटाफट से एक बार चलते घर और एक बार इसको करनी है क्लीन, गंदी बहुत हो चुकी है यार अपनी मैक्स, बहुत गंदी हो चुकी है, तो रफ्तार पे एक बार इसको खींचते हैं। सनसेट देख लो भाई, सनसेट। तो यहाँ से ना शॉर्टकट मारते हैं अपन भीतर की तरफ, क्योंकि अपन हाईवे से नहीं जा रहे हैं, शॉर्टकट मार के जा रहे हैं। इस रोड पे ना एक बार व्हीली ट्राई करता हूँ मैं, देखता हूँ होती है क्या। हो तो रही है गाइस, बट एक बार अच्छे से ट्राई करते हैं, अच्छे से भी हो रही है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। वाओ, अच्छी तो हो, भाई यार दो लौंडे मिल गए, रुको यार उनसे बात कर लेते हैं, भाई ने रोका यार। YouTube चैनल बोलो भाई, क्या हुआ भाई बोलो, लिखो अननोन सोलो व्लॉगर, लो भाई भाई को सर्च करके दे देते हैं अननोन सोलो, सच में अब लॉगिन करते हुए जा रहे थे। लो भाई मिल गया, एक और भाई, नाम क्या भाई तुम्हारा? भाई अमित। अमित भाई मिल गए भाई, ये तो शायद एक बार और मुझे देख चुके थे, मिला चैनल, मिल गया। लो भाई
एक भाई को भी चैनल अपना बता देते हैं भाई। यार एडवर्टाइज कराओ कहीं से, सब्सक्राइबर हमारे नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत गिरे दिन चल रहे हैं। भाई अभी ये भी, अभी पोस्ट करोगे ना ये वाला? ये कल कर दूंगा शायद से, नहीं तो परसों को। लो भाई अपना ये भी चैनल तो भाई सर्च करने में फटाफट से मिल जा रहा है यार। लो 1.36 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। भाई तुम चलो भाई, इनसे भी मिल के अच्छा लगा भाई। दो भाई मिल चुके हैं अमित भाई, चलो फिर निकलते हैं यहाँ से। तो भाई अपने लौंडे मिलते हैं ना तो बहुत ही प्यारा लगता है यार। भाई मेरे को क्या हुआ मालूम है भाई, तुमको मैंने देखा था, मैंने बस क्या करा था, बस एक वीली मारी थी तो बंदा बोल रहा भाई तुमको देखा था यार, तुम ब्लॉगिंग करते हुए जा रहे थे। मैं बोला ठीक है भाई, लो भाई तुम भी सब्सक्राइब कर लो। लो भाई एक बार और वीली लेते हैं फटाफट से, मन ही कर दिया यार अब तो वीली मारने का। नहीं उठी, नहीं उठी। तो गाइस एक बार ना फिर से ट्राई करते हैं, अभी तो नहीं उठ पाई थी लेकिन थोड़ा सा आगे करेंगे, यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा है। एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं फिर वीली पॉपअप करते हैं यहाँ से ना। बस 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 दिस इज द लोकेशन की जहाँ पे हम वीली मार सकते हैं चलते चलते। भाई यार क्या उठती है यार, पहले मेरे को नहीं आता था, मेरे को लगता था मेरी गाड़ी उठती नहीं है। एक बार फिर से लेते हैं। तो भाई अभी यहाँ पे हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने हाईवे पे, यही अपना बनारस वाला हाईवे फिर से आ गया अपने सामने। तो यहाँ से एक बार से इसको करते हैं क्रॉस और निकलते हैं घर की तरफ। ओहो तो भाई फिर से पहुँच चुके हैं हम क्रॉसिंग पे, और फिर से क्रॉसिंग हो चुकी है बंद। एक वीली लास्ट अटेम्प्ट, पीछे से रास्ता खाली है, खाली है, नहीं लेंगे जाने दो। भीड़ बहुत ज़्यादा है तो वीली लेने का मन नहीं कर रहा है, बाद में मारते हैं। तो अभी यहाँ से फटाफट से चलते हैं घर के लिए। लो जी लगाते हैं नंबर। आहा तो गाइस अभी ना क्रॉसिंग बंद हो चुकी है ना काफ़ी देर के लिए, तो वेट करते हैं यार खड़े होके। तो गाइस ट्रेन निकल चुकी है, कर लिया अपने धन्नों को स्टार्ट, तो यहाँ से भी निकलते हैं भाई। सिस्टम भाई यहाँ पे पूरी ना खुदाई चल रही है, पूरा तोड़ा जा रहा है, ये पोल वोल सब कुछ तोड़ा जा चुका है। तो यहाँ से भाई ट्रैफिक बहुत लंबी लग चुकी है यार भाई 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 भाई। निकालते हैं एक बार इसको संभाल, क्योंकि ट्रैफिक ना बहुत लंबी लग चुकी है। तो यहाँ से भाई निकल चुके हैं और यहाँ से चलते हैं सीधा घर, और शाम भी काफ़ी अच्छी खासी हो चुकी है। अभी अपना प्लान था कि एक दो रील शूट करेंगे, लेकिन अभी के लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज रास्ता ना पूरा भरा हुआ है। तो यहीं से टर्न ले लेते हैं, आगे चलने का प्लान था जो कि अपन अभी नहीं जा रहे हैं। तो लो जी भाई घूम चुके हैं अपने एरिया के रास्ते पे। और अगर अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और पल्सर से जुड़े हुए 1-2Z किसी भी कंप्लेन किसी भी प्रॉब्लम के लिए एक बार चैनल को ज़रूर चेक करना। हर एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन सब कुछ लिस्टेड मिलेगा आपको इस चैनल पे। तो गाइस बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग भयंकर वीडियो में, जिसे देख के ना आपको भी मज़ा आ जाएगा और कुछ ना कुछ जानकारी, कुछ ना कुछ सीखने को तो ज़रूर मिलेगा। बाय बाय, सी यू सून। तो गाइस एक बार लेते हैं फिर से वीली, नहीं आई, आ नहीं रही है गाइस। ये रोड पे ना थोड़ा सा ग्रिप का इशू है,